आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। खाचरोद के ग्राम चंदवासला में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद भाटपछलाना के थाना प्रभारी संजय वर्मा के डांस का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो 14 अप्रैल की रात्रि में चंदवासला गांव में हुए विवाह में विवाद के बाद का बताया जा रहा है। दबंग फिल्म के गाने पर जिसमें थाना प्रभारी नाचते दिख रहे हैं। खाचरोद में ग्राम चंदवासला गांव में कल रात्रि में कुछ लोगों ने दलित के विवाह से पहले निकलने वाले बनोला जुलूस को लेकर बवाल किया था। गांव में कैलाश सिन्हा के बेटे रवि की शादी थी। शादी से पहले 14 अप्रैल को बनोला जुलूस निकल रहा था, तभी गांव के अन्य समाज के लोगों ने जुलूस में आकर बनोला जुलूस को रोक दिया और विवाद करने लगे। इसकी सूचना भाटपछलाना थाना प्रभारी को दी गई। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की सुरक्षा में दलित का बनोला जुलूस निकलवाया। वहीं बनोला जुलूस के दौरान थाना प्रभारी संजय वर्मा भी जुलूस में दबंग फिल्म के गाने पर थाना में बैठे ऑन ड्यूटी बजावे पांडे जी सिटी पर नाचते दिख रहे थे। विवाद और डांस की वीडियो पर टीआई बोले कि दलित समाज के लोग डरे सहमे थे, इसी मानवता के नाते उन्हें भयमुक्त करने के लिए नचा। वैसे भी पुलिस परिस्थितियों के अनुसार शांति का वातावरण बनाने के लिए रोल अदा करती है। दूसरे पक्ष ने भी आवेदन दिया है, जिस पर भी जांच की जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए खाचरौद विधानसभा क्षेत्र से संवाददाता शंभु राठौर की रिपोर्ट। कुछ विवाद हुआ, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, कल हमारे पास चंदवासला से शिकायत आई थी, जिसमें दलित समुदाय का प्रोसेशन निकल रहा था, बड़ा प्रोसेशन था, उसको कुछ वहाँ के दबंगों ने रोक दिया था। किसी प्रकार की पुलिस इनके नोकझोंक काफ़ी हुई और इस बीच में प्रोसेशन रुका और हमारे पास सूचना मिली। तन्मय पुलिस फोर्स के हम गाँव पहुँचे और हमने वहाँ देखा कि यहाँ पे क्योंकि जो घोड़ी ओड़ी वाले थे वो चले गए थे और हम लोगों ने फिर पहले सामाजिक प्रक्रिया को पूरी कराते हुए प्रोसेशन पर निकलवाया है और पुलिस प्रशासन ने जिप्सी में ही पुलिस की रैली को भी हमने उसमें लेते गए हैं। उस संबंध में जो कि जिन लोगों ने उपद्रव किया था उनके खिलाफ हमने अपराध क्रमांक 141/22 12/294/323 भारतीय दंड विधान एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सशस्ता निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(3)(1)(3)(2)(b) के तहत मामला पंजीकृत किया। सर, ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप नाचते नजर आ रहे, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये क्योंकि दलित समाज के साथ घटना की गई है और वो काफ़ी डरे हुए थे, भयभीत थे, उनके घोड़ी वाला भी भाग गया था और हमने पुलिस ने उसको उपलब्ध कराया है। अब पुलिस का काम है सामाजिक समरसता को बनाए रखना, लोगों का मनोबल बनाए रखना। आपने देखा होगा, इसके पहले भी कोरोना काल में पुलिस की भूमिका को आपने देखा होगा, ऐसी कई भूमिका पुलिस ने लीक से अलग हट के निभाई है। अब चूंकि इनका प्रोसेशन चल रहा था, उसमें कुछ उल्लास नहीं दिख रहा था, तो मैंने उन्हें उत्साहित करने के लिए उनके साथ में बिल्कुल डांस किया और उसके बाद उनका प्रोसेशन पूरा धूमधाम से निकला। सर, किसी महिलाओं को भी चोट लगने का बात सामने आई? देखिए, अभी हमारे पास ऐसी बात नहीं है, धक्का मुक्की की बात आई है और विवेचना एकदम प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी आज 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और उनके यहाँ बारात वगैरह का कार्यक्रम भी था, तो पहले ही कार्यक्रम निपट जाए, विवेचना जारी, जैसी तक सामने आएंगे वैसी कार्रवाई। दूसरे पक्ष भी आके नहीं, ये उनका संवैधानिक हक है, निश्चित रूप से देखिए, ये उनका संवैधानिक हक है कि वो भी अपना पक्ष रखेंगे और विवेचना की इसलिए जाती है दोनों पक्षों को सुना जाए। इसमें धारा में कुछ आगे पीछे हो सकता है? देखिए, महिला की चोटें और बाकी जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें धारा कम ज़्यादा हो सकती है। विवेचना प्रारंभिक स्टेज में, जांच के बाद में हम इसको तय करेंगे।